Good morning, children. Today I am going to tell you a story about a wise nightingale. You know what is nightingale? It's a bird who sings so sweetly. It has sweet voice. Fine? Okay. So I am going to start this story. You have to listen it carefully. A nightingale lived in a ripe corn field. नाइटेंगल बर्ड होती है जो बहुत अच्छे से गाती है, बहुत अच्छी वॉइस होती है उसकी। और वो कहाँ रहती थी? एक राइप कॉर्न फील्ड में। कॉर्न फील्ड मीन्स मक्के का जो खेत होता है ना, भुट्टे का, वहाँ पे रहती थी। शी वॉज वेरी वरिड बिकॉज इट वॉज द टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप एंड हर चिक्स कुड नॉट फ्लाई। वो बहुत परेशान थी। क्यों परेशान थी? क्योंकि जहाँ वो रह रही थी उस क्रॉप को काटने का, हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया था, और जो उसके चिक्स थे, मतलब जो उसके छोटे बच्चे जो थे, वो उड़ नहीं पाते थे तब तक, वो बहुत छोटे थे। व्हेनेवर शी लेफ्ट होम शी टोल्ड हर यंग वंस टू सी व्हाट हैपेंड इन द फील्ड। वो जब भी बाहर जाती थी दाना लेने के लिए, बच्चों के लिए खाना फूड लेने के लिए, तो वो अपने बच्चों से कह कर जाती थी कि जो कुछ भी उस फील्ड में हो रहा है ना, वो ध्यान रखना और मुझे बताना। वन इवनिंग एज शी रिटर्न शी सॉ हर चिक्स हडल्ड टुगेदर इन फियर। जब एक शाम को वो लौटी तो उसने देखा कि उसके जो चिक्स थे ना, वो सब डर के मारे कांप रहे थे सारे के सारे। दे टोल्ड हर दैट द फार्मर हैड ऑर्डर हिज सन्स टू गो एंड आस्क देयर फ्रेंड्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप। उसने बोला कि, उन लोगों ने बोला उसको कि आपको पता है वो जो फार्मर है, उन्होंने अपने बेटों को बोला है कि जाओ अपने दोस्तों को बुला के लाओ और ये क्रॉप को हार्वेस्ट करो, काटो, ये फसल काटो। The nightingale said calmly, Don't worry children, no one will come tomorrow. वो बहुत शांति से बोले, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कोई नहीं आने वाला है कल। The next day, the chicks were surprised to see that their mother was right. दूसरे दिन जब बच्चों ने देखा कि कोई भी नहीं आया है, तो वो बहुत सरप्राइज हो गए कि अरे हाँ, हमारी मम्मा तो सच बोल रही थी, सही कह रही थी। सेवरल डेज पास्ट, बहुत दिन हो गए, बहुत सारे दिन निकल गए। वन डे द नाइटिंगल हर्ड द फार्मर टेलिंग हिज सन्स। एक दिन नाइटिंगल ने खुद उस किसान को अपने बेटों से बात करते हुए सुना। दिस इज टू मच, We will not wait and tomorrow we will harvest the crop ourselves. थोड़ा गुस्से में बोल रहे थे, उन्होंने अपने बेटों से बोला, बहुत हो गया, अब हम और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, अब हम खुद ही अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, हम खुद ही अपनी फसल काट लेंगे। When it is our work, we should not leave it on our friends. जब यह हमारा काम है तो ये काम हमें खुद करना चाहिए, किसी और पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे दोस्तों पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऑन हियरिंग दिस द नाइटिंगल अंडरस्टूड दैट द ओनर वुड डेफिनेटली कम टू हार्वेस्ट द क्रॉप। ये सुनने के बाद नाइटिंगल को समझ में आ गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब जो फार्मर है वो खुद ही आएंगे और अपने बेटों के साथ, और वो खुद ही फसल को काट के, हार्वेस्ट को क्रॉप करके और ले जाएंगे। So she took her chicks and flew away from the field. अब इतने दिन जब निकल गए थे तो उसने अपने बच्चों को भी उड़ना सिखा दिया था, है ना? तो वो क्या हुआ, उसने अपने बच्चों को लिया और उड़कर दूर चली गई और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। So I hope you all like this story and you have learned this that हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हमको उसको वाइजली हैंडल करना चाहिए। ठीक है? सो आई विल मीट यू नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू स्टोरी। बाय।